Hello students, in this video lecture I will discuss with you about Ampere Circuital law and related topics. इस वीडियो के अंदर मेरा जो एम है दैट इज ओनली टू एक्सप्लेन द फिजिकल कंसेप्ट एंड रिलेटेड फिजिकल पिक्चर्स. डेरिवेशन पर फोकस नहीं किया है, जो भी कंसेप्ट हैं उन्हीं पर फोकस किया है. आई होप कि ये और एम्पियर सर्किटल लॉ में आप देखते हैं कि जो फार्मूला है वो ये क्लोज पाथ इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इनक्लोज है. यहाँ सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूँगा कि ये क्लोज पाथ इंटीग्रल का मतलब क्या है. इंटीग्रल आपके एक लाइन इंटीग्रल है और एक क्लोज पाथ इंटीग्रल है. जब लाइन इंटीग्रल की आप बात करते हैं तो आप किसी एक पॉइंट एक्स से चलना स्टार्ट करते हैं और वाई तक चलते हैं और वो स्मॉल एलिमेंट के साथ चलते हैं. तो अगर मुझको एक्स टू वाई कितनी लेंथ है उसको फाइंड आउट करना है, तब मैं एक इंटीग्रल करूँगा विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स बिटवीन दी जो एक्सट्रीम लिमिट है इनिशियल, तो यहाँ से मुझको वो लेंथ मिल जाएगी. तो इट मीन्स कि एक पाथ है फ्रॉम एक्स टू वाई जिसकी लेंथ एल है और जिसको स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है, और वन स्मॉल सेगमेंट जो है आपका वो डी एक्स के इक्वल है. इन सभी डी एक्स को फ्रॉम एक्स टू वाई अगर इंटीग्रल करेंगे ऐड करेंगे तो लेंथ मिलेगी. दूसरी साइड ये पॉइंट है कि यहाँ कोई पॉइंट है ए चलना स्टार्ट करता है और कोई भी पाथ अगर फॉलो कर ले और फिर बी इसी पर पहुँच जाता है तो ये हुआ क्लोज पाथ. तो इसको भी ऐसे स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करके और फिर सबको ऐड करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसको भी इस वे में लिखा है, लेकिन यहाँ दोनों की जो फिजिकल पिक्चर है उनका मीनिंग अलग है. मैथमेटिकली इसका मीनिंग ये है, जहाँ ये एक लेंथ को डिस्क्राइब करता है, इस इंटीग्रल का मतलब ये क्लोज पाथ को डिफाइन करता है. और फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आप एम्पियर्स लॉ में एक क्लोज पाथ यूज करते हैं सर्कुलर फॉर्म में, अगर मैं कहूँ कि इसकी रेडियस आर है और आप इसको यहाँ पे इसकी रेडियस आर है और एक स्मॉल सेगमेंट डी एल कंसिडर करते हैं और उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं डी एल के, तो आपको मिलेगी 2 पाई आर दैट इज़ दी सर्कमफेरेंस. तो एक तो ये पॉइंट यहाँ पर आपको माइंड में रखना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है. दूसरा पॉइंट है कि बी डॉट डी एल के बीच स्केलर प्रोडक्ट है, या तो एंगल थीटा जीरो होगा या 90 डिग्री 180 डिग्री लाइक दिस, कुछ भी हो सकता है. फॉर एन एग्जाम्पल ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, तो ये होगा आपका बी डी एल कोस थीटा. जब आप इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में देखेंगे, ये थीटा बी और डी एल के बीच का एंगल है. अभी देखिए कि यहाँ पर मैं एक स्मॉल एलिमेंट ये कंसिडर करता हूँ डी एल, और आपका जो इस करंट की वजह से बी प्रोड्यूस होगा वो भी सेम डायरेक्शन में होगा, वो भी टेंजेंशियल होगा. तो बी और डी एल, डी एल इज स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ है, तो ये और बी ऑलवेज जो है पैरेलल होंगे, जिसका मतलब ये होगा थीटा वहाँ पे जीरो होगा. बी भी उसी डायरेक्शन में होगा और डी एल भी उसी डायरेक्शन में होगा, तो थीटा जीरो होगा, जिसके कारण आप लिखते हैं बी डॉट बी डी एल ओनली. अब ये तो हुआ पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड का. राइट हैंड साइड में आई इनक्लोज लिखते हैं. एक्चुअली एम्पियर्स का लॉ वैलिड ही ओनली देन जब आई करंट जो हो इनक्लोज हो बाय द लूप, ओनली देन वन कैन अप्लाई द एम्पियर्स लॉ. म्यू नॉट आपका एक्चुअली ये फ्री स्पेस की परमेबिलिटी है, जिससे हम लोगों को ये पता लगता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है किसी मीडियम के थ्रू कितनी पास हुई हैं, राइट. तो ये एक्चुअली म्यू जो है मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करता है कि वो हाउ मच लाइन बेसिकली, हाउ मच फील्ड लाइन बेसिकली दैट अलाउ, ठीक है, अपने मीडियम के थ्रू वो अलाउ करता है, पास करता है. तो ये म्यू नॉट फ्री स्पेस के लिए हम लोग बोलते हैं, राइट. तो ये तो हुआ अबाउट दी फार्मूला. अगर इसका प्रूफ आप देखना चाहें तो प्रूफ के लिए क्या किया है कि कोई भी एक्स वाई एक कंडक्टर आपने कंसिडर किया जिसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है और इससे आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है ऑलरेडी बाय यूजिंग दी बायोसावर्ट लॉ. सो इस
पी पॉइंट पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई अपॉन आर। ये कैसे ड्राइव किया ये पर्पज़ नहीं है। बायो सावर्ट लॉ में जब एक्सट्रीम टू एंड्स पर आप देखते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोल्व किया है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई अपॉन आर को जब सिंप्लीफाई किया तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड मिला है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और दूसरा अगर केस अब सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ये एम्पियर्स लॉ की, तो हम लोगों को पता है कि बी और डी एल जो है पैरेलल है ना, तो उनके बीच एंगल जीरो होगा तो यहाँ पर बी डी एल आ जाएगा मैग्नीट्यूड की फॉर्म में और बी कम्स आउट क्योंकि बी आपका कांस्टेंट रहता है एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस, तो डी एल का क्लोज पाथ इंटीग्रल जो कि 2 पाई आर है वो होगा। तो यहाँ क्या करना है कि बी की वैल्यू आप पुट कर दो जो ये फाइंड आउट की थी तो वो वैल्यू ये, और डी एल ये जो आपने फाइंड आउट किया था 2 पाई आर, जब आप इन दो की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा म्यू नोट आई और दैट इज़ दी एम्पियर्स लॉ। यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है एक्चुअली जो डिस्कशन करने का है वो एक तो ये है कि अभी नेचर ऑफ द करंट यहाँ एम्पियर्स लॉ में डिफाइन नहीं की है कि वो आपकी अल्टरनेटिंग करंट है या फिर वो आपकी डायरेक्ट करंट है, तो इस पॉइंट पर हम थोड़ा सा अभी इन एडवांस आपको बता दें कि भाई अभी एम्पियर्स का लॉ जो है वो वैलिड है फॉर द डायरेक्ट करंट या फिर वैलिड है फॉर द अल्टरनेटिंग करंट या जिस फॉर्म में अभी आप फॉर्मूला देख रहे हैं दोनों के लिए वैलिड है, राइट। ये आप इस इंफॉर्मेशन को इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कैन फाइंड आउट विद द डिस्प्लेसमेंट करंट आइडिया, राइट। डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कंसेप्ट है वो इसीलिए ऐड किया है क्योंकि यहाँ एट प्रेजेंट जो फार्मूला है उसमें ये डिफाइन नहीं किया कि ये जो करंट है वो डीसी करंट है या अल्टरनेटिंग करंट है। अगर डीसी करंट है तो क्या ये एम्पियर्स का लॉ डीसी करंट के लिए ही वैलिड है, अल्टरनेटिंग करंट के लिए वैलिड नहीं है? तब अगर अल्टरनेटिंग करंट के लिए फार्मूला होगा तो वो क्या होगा, तो उसका आंसर डिस्प्लेसमेंट करंट देती है। तो अगर आप और डिटेल में एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे समझेंगे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट भी आ जाएगी जो एक एडिशनल टर्म है जिसके थ्रू हम लोगों को ये पता लगता है कि जो एम्पियर्स का लॉ है वो अल्टरनेटिंग करंट के लिए भी वैलिड है। इस प्रेजेंट ये जो प्रेजेंट फॉर्मूला है ये केवल डीसी करंट के लिए ही वैलिड है। अब नेक्स्ट जो प्रूफ है उसको देखते हैं कि आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये राइट एक्स वाई एक इनफाइनाइट लेंथ का आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, इससे पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बाय यूजिंग द एम्पियर्स लॉ, उसको अगर यूज करते हैं तो फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड में बी डॉट डी एल एज यू नो, तो इसको सब सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये बी क्यों बाहर आया है राइट इंटीग्रल से और इस डी एल की वैल्यू कितनी होगी, तो उसका रिजल्ट ये हुआ। और राइट हैंड साइड में आप लिखते हैं म्यू नोट आई, लेफ्ट हैंड साइड में आपने वैल्यू पुट कर दी तो बी की वैल्यू आपको मिलेगी म्यू नोट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। अगर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो रिजल्ट मिलेगा ये जो कि अभी अभी आपने यूज किया था टू प्रूव द एम्पियर्स लॉ। तो बोथ द टॉपिक्स आर वाइस वर्सा एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं। अब एक इसमें ये टॉपिक है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग सर्कुलर सिलेंडर, यहाँ एक्चुअली एक सर्कुलर सिलेंडर है, उस सर्कुलर सिलेंडर को थोड़ा सा मैं ड्रा कर दूँ आपके लिए, तो उसकी फॉर्म ये है। इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है राइट, और यहाँ एक दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये पी और दूसरा पॉइंट पी, इसका डिस्टेंस आर है। और अगर मैं ये केस कंसीडर करूँगा तो उसके लिए भी मैं ये आर कंसीडर करूँगा, आर ही कंसीडर करूँगा राइट। तो आर यहाँ पर स्मॉल आर जो है वेरिएबल है, ये पॉइंट जो है इस जो सिलेंडर है इसके बाहर रखा हुआ है और ये जो पी पॉइंट है ये सिलेंडर के अंदर है। तो यहाँ अगर पहले केस में कंसीडर करूँ कि जब पी पॉइंट ये पॉइंट इस सिलेंडर के बाहर है, आर डिस्टेंस पे है, आर से ये जो रेडियल डिस्टेंस है सिलेंडर इससे भी आगे है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो वो फार्मूला डायरेक्ट है जो भी आपने फाइंड आउट किया किसी भी कंडक्टर के लिए
राइट, तो उसको डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं म्यू नोट अपॉन टू पाई इंटू आई अपॉन आर। बट इम्पोर्टेंट केस ये है, जब आपके सिलेंडर के अंदर किसी पी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ लें तो उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट यही रिजल्ट लिख दूँ तो ये है B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर आई स्मॉल आर टू पाई आर स्क्वायर, वेयर म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू आर इज द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी है, और आई जो है वो करंट है, और स्मॉल आर वो रेडियल डिस्टेंस है एट विच वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। कैपिटल आर अभी बोल चुके हैं कि ये रेडियल डिस्टेंस है, रेडियस है ऑफ द सिलेंडर। तो अभी यहाँ ये फार्मूला कैसे जनरेट किया और इसके अंदर जो टर्म आई उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट बिफोर दैट इम्पोर्टेंट टर्म इज दिस वन कि आई इज यूनिफॉर्म, आई जो है वो जो करंट है यहाँ से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई है फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस सिलेंडर, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। राइट, जब करंट को ऐसा बोलते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पॉइंट पे करंट की जो वैल्यू होगी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ये ऑल एट ऑल द पॉइंट्स वो एक्चुअली सेम रहेगी, वहाँ उसका कोई चेंज नहीं आएगा। तो यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, डेरिवेशन को सोल्व करने के लिए कंसेप्ट यूज करते हैं कि जो स्मॉल सर्कल अभी आप देख रहे थे ये इनसाइड दी सिलेंडर, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं जहाँ येलो ये क्लोज लूप से इसको डिफाइन किया है, इसके थ्रू जो करंट पास हुआ है, टोटल जो करंट पास हुआ है हम मान के चलते हैं कि वो आई प्राइम है। टोटल जो सिलेंडर है इसके क्रॉस सेक्शन से जो पास हुआ है वो आई है। तो ये जो एरिया बचा है, राइट, जिसकी रेडियस यहाँ पे हम लोग स्मॉल आर लेके चल रहे हैं, और इस पी पॉइंट पे जो है हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा क्लोज लूप का, इस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर स्मॉल है क्योंकि ये आर कंसिडर किया है। राइट, तो यहाँ पे जो करंट है उसको हम आई प्राइम लेके चलते हैं। तो इस आई प्राइम को डिफाइन कैसे किया है, आई प्राइम इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल जे डॉट टी एस। अब इस नोटेशन को मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। जनरली दो टाइप के नोटेशन आप यूज करते हैं, या तो ओपन सरफेस इंटीग्रल या फिर क्लोज सरफेस इंटीग्रल। अगर आपका क्लोज लूप है लाइक ए रिंग, तो उसका ये स्पेस जो है ओपन होगा। राइट, अगर आप एक डिस्क यूज करते हैं तो उस डिस्क का ये एरिया सॉलिड होगा, सॉलिड सरफेस है, मींस कि आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते फिजिकली, ठीक है इस, और लेकिन रिंग के बीच का स्पेस यहाँ ये फ्री होता है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ आप इंसर्ट कर सकते हैं, वो दूसरी साइड निकल जाएगी लेकिन इस साइड नहीं निकलेगी। तो ये एरिया क्लोज हुआ और ये एरिया ओपन हुआ, जैसा आपका विंडो है या गेट है, ठीक है, जब गेट ओपन करेंगे तो वो एरिया जो होगा ओपन सरफेस होगा। तो उस तरीके से कुछ आप आइडिया समझ लें। राइट, क्लोज सरफेस इंटीग्रल और ओपन सरफेस इंटीग्रल की फिजिकल पिक्चर्स। तो अभी एक्चुअली जहां हम लोग बात कर रहे हैं आई प्राइम करंट आपने देखी है, तो वो सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का वो सरफेस एरिया वो ऑब्वियस है कि सॉलिड होगा, तो वहां वो सरफेस जो होगा क्लोज होगा, दैट्स वाई वी हैव कंसिडर इट। तो आई को जो डिफाइन करने का एक तरीका है, दूसरा तरीका वो करंट डेंसिटी की टर्म में भी, तो आई इज इक्वल टू यहाँ पे हमने लिखा है जे डॉट डी एस, जे करंट डेंसिटी है और ए डी एस जो है ना क्लोज सरफेस इंटीग्रल के साथ में एक एरिया है, जो एरिया भी आपसे बात की थी स्मॉल आर के साथ में। राइट, तो जे डॉट डी एस, तो आई प्राइम को इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं, कर दिया है, वो फार्मूला ये है। अब ये जो जे करंट डेंसिटी है इसको हमने डिफाइन किया है आई अपॉन ए से, ये टोटल सिलेंडर के लिए किया है। तो टोटल सिलेंडर में यू नो कि आई करंट फ्लो हो रही है, उसका रेडियल डिस्टेंस ये, तो सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जे डिफाइन किया है वहाँ से, तो ए कैपिटल ए जो है पाई आर स्क्वायर है वो लिखा है। डी एस, डी एस किसका एरिया है, ये जो है स्मॉल जो क्लोज सरफेस पी पॉइंट जो इनसाइड द सिलेंडर है उसका एरिया है, इसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। तो अब ये दो वैल्यूज़ हैं, एक ये वैल्यू और एक जे की वैल्यू हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो आई प्राइम आ जाएगा जे डी एस इस तरीके से, क्योंकि जे और डी एस ये बोथ आर पैरेलल।
तो जे की वैल्यू पुट की, ये आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, एरिया की के स्मॉल पाई आर स्क्वायर सिंप्लीफाई किया तो ये लिखा। बुक्स में जनरली ये फार्मूला इस तरीके से लिखते हैं, ओरिजिन आपने देखा अभी कि वो इस तरीके से इन टर्म्स ऑफ द करंट डेंसिटी। दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर जो यूज हुआ है वो म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी का हुआ है, और रिलेटिव परमेबिलिटी जो है रेशो है ऑफ द म्यू एंड म्यू नॉट। म्यू एक्चुअली परमेबिलिटी है इन द मीडियम, और म्यू नॉट है परमेबिलिटी इन द फ्री स्पेस। तो इन दो जो का जो रेशो होगा वो म्यू आर होगा। लेकिन हम लोगों के पास में अभी मीडियम है वो सॉलिड सिलेंडर है, तो हम म्यू यूज करेंगे, तो म्यू जो होगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट होगा। अगर मुझको एम्पियर सला यूज करना है तो मैं म्यू यूज करूँगा म्यू आर या म्यू नॉट, मैं म्यू यूज करूँगा। तो यहाँ पर जो एम्पियर सला है वो हो जाएगा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू आई प्राइम। तो अब म्यू यूज किया है, आई की जगह आई प्राइम यूज किया है, क्योंकि आई प्राइम करंट एसोसिएट है विद द क्लोज सरफेस, राइट, वो जो लूप है क्लोज लूप है, तो इसलिए आई प्राइम। तो अब मैं इन सब की वैल्यू अगर पुट करूँ लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में, तो मैं क्या देखता हूँ, बी डॉट डी एल ये पैरेलल है दोनों वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट में बी डी एल आ जाएगा जैसे आप पहले देखते रहे हैं। तो बी कम्स आउट और डी एल जो क्लोज पाथ इंटीग्रल होगा वो सरकमफेरेंस देगा 2πr स्मॉल r के साथ में, राइट। तो b कांस्टेंट है तो b डॉट डी एल जैसे लिखा था इसकी वैल्यू आ जाएगी b 2πr। म्यू की ये वैल्यू पुट कर देंगे आप, i प्राइम की ये वैल्यू पुट कर देंगे तो जो रिजल्ट अभी आप देख रहे हैं तो वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो अब इस पॉइंट पर दूसरा पॉइंट है कंसेप्ट कि जो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है वो किस टाइप से होगा। मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि इस वाई एक्सिस पे बी लिया है और एक्स एक्सिस पे रेडियल डिस्टेंस लिया है। तो आप जैसे जैसे बाहर की साइड को सिलेंडर से रेडियल डिस्टेंस की ये बाहर की तरफ को चलेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका बिहेवियर कैसा होगा, इनिशियली अप टू दी आर पॉइंट, और ये आर कैपिटल आर जो है ये रेडियस है सिलेंडर की, रेडियस है अप टू दिस पॉइंट, यहाँ सेंटर से लेके इस डिस्टेंस तक जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सिलेंडर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे ही आपका बी बढ़ेगा, तो आप आर ये यहाँ, राइट, तो ये बी भी बढ़ रहा है आर बढ़ रहा है। तो आप अगर ये सरफेस की तरफ को चल रहे हैं तो आपका इस पॉइंट तो इस तरीके से ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, जीरो इस पॉइंट पर, फिर कुछ वैल्यू B1, B2, B3, B4, B5 नंबर के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, जैसे B5 इज मोर एज कम्पेयर टू दी B3 लाइक। तो इस आर पॉइंट पर आकर मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका मैक्सिमम होगा। देन आफ्टर अगर मैं ये इस सरफेस से बाहर की तरफ को चलता हूँ, राइट, इन फ्री स्पेस इस पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज करता जाएगा। तो उसको आप ये देख रहे हैं कि बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस, तो ये ऐसे ये डिक्रीज करता जाएगा। तो इस पॉइंट पर आकर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ आर इट बिकम्स जीरो। तो ये आपका बिहेवियर है ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और इसके बाद में आपके जो है सोलेनॉइड और टोराइड हैं। सोलेनॉइड का थोड़ा सा आइडिया मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि सोलेनॉइड क्या है, कि एक कॉयल है जिसके अंदर काफ़ी क्लोजली स्पेस वाउंड टर्न वाउंड किए हुए हैं, और ये टर्न एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं। इसकी जो ये टर्न है इनकी लेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द डायामीटर। यहाँ एक कंसेप्ट रखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की साइड जो है ऑलमोस्ट जीरो है, और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आपका इनसाइड होगा, और इनसाइड भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है एक तो वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं और सभी जगह उनका मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब हुआ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज जब डायरेक्शन होगी तो यहाँ आपको पता है कि कोई भी सर्कुलर लूप में अगर क्लॉकवाइज करंट मूव करती है तो उसका वो फेस जो है साउथ पोल के जैसे बिहेव करेगा,
अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट आप ऑब्जर्व करते हैं तो उसका वो फेस नॉर्थ पोल के जैसे बिहेव करेगा। एंड यू नो कि किसी भी बार मैग्नेट के अंदर एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है नॉर्थ पोल से चल के एस साउथ पोल पर ख़त्म होती है। इस तरीके से आप ऑब्जर्व करते हैं इन बोथ साइड। तो यहाँ पर भी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे स्टार्ट हुई है और यहाँ से इस तरीके से चल के ये यहाँ एंड हुआ है। तो इस साइड ये नॉर्थ हुआ, तो इस साइड ये साउथ हुआ किसी भी कॉइल के, जिसमें करंट की डायरेक्शन ये है। तो यहाँ जो रिजल्ट होगा, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहिए एट एनी पॉइंट पी इनसाइड द कॉइल, तो वो होगा म्यू जीरो एन आई, वेयर म्यू नॉट इज़ दी परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस, और एन जो नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, आई दैट करंट जो इसके अंदर फ्लो हो रहा है। इसका डेरिवेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट एक्चुअली यू रिक्वायर्ड, यू कैन एज्यूम हियर एक जो एम्पीरियन स्लूप है, तो पी क्यू और ये आर एस, इस तरीके से ये क्लोज पाथ आपने कंसिडर कर लिया है जिसकी लेंथ कैपिटल एल है। और एज यू नो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे चलती हैं, ठीक है, और राइट तो बी जो बी की डायरेक्शन है वो ये है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पी क्यू की डायरेक्शन ये है, क्यू आर की डायरेक्शन ये, आर एस की डायरेक्शन ये, एस आर की डायरेक्शन ये। पी क्यू जो लेंथ है, एक्चुअली इसको सोल्व कैसे किया, इसको क्लोज पाथ के जैसे सोल्व नहीं किया, इसको पाथ की फॉर्म में, लेंथ की फॉर्म में इसको सोल्व किया। तो हम पी से क्यू कंसिडर किया, क्यू से आर कंसिडर किया, आर से एस, एस टू आर, तो एम्पियर सलाम वहाँ पे अप्लाई किया और फिर चारों को जोड़ दिया, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो पी टू क्यू जब हम लोग करते हैं तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई हम लोग लिखेंगे, आई जो करंट इनक्लोज है बाई दिस, तो यहाँ इस रीजन में कितनी करंट है वो बाद में फाइंड आउट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, पी टू क्यू लिखा है, यहाँ पी टू क्यू है, तो हम क्या करेंगे, एक स्मॉल सेगमेंट कंसिडर करेंगे जो डी एल है, और उसी की डायरेक्शन में आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल थीटा इज इक्वल टू जीरो, कोस जीरो इज इक्वल टू वन, जैसे पहले फाइंड आउट किया था आपने, रिजल्ट वैसे आएगा, एक्सेप्ट टू दिस कि यहाँ पर लाइन इंटीग्रल है, क्लोज पाथ इंटीग्रल नहीं है। जब इस डी एल का आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको लेंथ मिलेगी, और लेंथ इसकी यहाँ पी टू क्यू तक जो है वो कैपिटल एल है, तो रिजल्ट आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा बी एल। अब अगर आप क्यू टू आर चलते हैं तो क्यू टू आर में ये एम्पियर्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब थीटा 90 डिग्री हुआ। डीएल के आप डीएल यहीं कंसीडर करेंगे एंड दैट विल बी इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। तो बी डी एल कोस थीटा के जब वैल्यू पुट करेगी थीटा की, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी जीरो। आर टू एस में जब यहाँ एम्पियर्स लॉ अप्लाई करते हैं तो वो जीरो आएगा, रीजन कि हम लोग मान के चलें कि देयर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड। और एस टू पी जब हम कंसिडर करते हैं अगेन, तो ये परपेंडिकुलर हुआ है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट कंसिडर करूँगा डी एल, तो वो परपेंडिकुलर होगा टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जैसी सिचुएशन इस केस के लिए आई थी वैसे इसके लिए हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। तो हम लोगों के पास में केवल एक पी टी क्यू बचता है, और उसमें वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में बी एल आ जाती है, राइट हैंड साइड में म्यू नॉट टाइम्स करंट आएगा। तो अब इसको जो है करंट आई थ्रू पी क्यू आर एस हम लोग लिखते हैं, तो म्यू नॉट टाइम्स आई, ये जो आई है वो जो करंट आई है वो थ्रू पी क्यू आर एस, ये जो लूप है इसके थ्रू कितना करंट फ्लो हुआ है, तो वो फाइंड आउट करते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे एंड द वैल्यू ऑफ करंट। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स इस यहाँ ये जितना भी है ये पाथ, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स आए हैं, तो इसकी लेंथ है एल और यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन एल उतने टर्न्स आएंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स हुए एन एल, करंट इसमें आई है म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से हम लोगों को ये राइट हैंड साइड मिल जाएगी जिसको आपने लिखा है म्यू नोट एन आई एल, स्मॉल एल भी हो सकता है और कैपिटल एल एज अकॉर्डिंग, तो बी इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप कि ये जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ आपको समझ आया होगा, और अगर ये कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आया आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करें,
एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट। और सच जो वीडियो लेक्चर्स हैं आप मुझको सजेस्ट भी कर सकते हैं, और अगर आप मुझको सजेस्ट करना चाहें कोई पर्टिकुलर टॉपिक तो आप मैसेज बॉक्स में आप मुझको कमेंट कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में जो बेल है आप बेल को क्लिक कर दीजिए, उससे ये क्या होगा कि आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही कोई वीडियो मैं अपलोड करूँगा, अदरवाइज ये नोटिफिकेशन नहीं आएगा अपलोड्स का। सो थैंक्स वंस अगेन।